मार्केटिंग यूबिक्विटस है यह सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट्स में व्याप्त है स्पेसिफिकली मार्केटिंग में टिपिकली दस डिफरेंट डोमेन्स शामिल होते हैं गुड्स सर्विसेज, इवेंट्स एक्सपीरियंसेस पर्सन्स प्लेसेस प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्मेशन और आइडियाज आइए इन कैटेगोरीज पर एक क्विक लुक डालते हैं गुड्स फिजिकल गुड्स अधिकांश देशों के प्रोडक्शन और मार्केटिंग एफर्ट्स का बल्क बनाते हैं हर साल यूएस कंपनीज बिलियन्स ऑफ फ्रेश कैंड बैग्ड और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स और मिलियंस ऑफ कार्स रेफ्रिजरेटर्स टेलीविजन्स मशीन्स और एक मॉडर्न इकोनॉमी के अन्य मेन स्टेज मार्केट करते हैं सर्विसेज जैसे जैसे एकोनामीज एडवांस करती हैं उनकी एक्टिविटीज़ का एक ग्रोइंग प्रोपोर्शन सर्विसेज के प्रोडक्शन पर फोकस करता है यूएस इकानमी आज रफली टू थर्ड्स टू वन थर्ड के सर्विसेज टू गुड्स मिक्स को प्रोड्यूस करती है सर्विसेज में एयरलाइंस होटल्स कार रेंटल फर्म्स बाबर्स एंड ब्यूटिशंस मेंटेनेंस एंड रिपेयर पीपल अकाउंटेंट्स बैंकर्स लॉयर्स इंजीनियर्स डॉक्टर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की ऑफरिंग्स शामिल हैं कई मार्केट ऑफरिंग्स गुड्स और सर्विसेज को मिक्स करती हैं जैसे कि एक फास्ट फूड मील इवेंट्स मार्केटर्स टाइम बेस्ड इवेंट्स को प्रमोट करते हैं जिनमें मेजर ट्रेड शोज आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेज और कंपनी एनिवर्सरीज शामिल हैं ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को कंपनीज और फैंस के लिए एग्रेसिवली प्रमोट किया जाता है लोकल इवेंट्स में क्राफ्ट फेयर्स बुक स्टोर रीडिंग्स और फार्मर्स मार्केट्स शामिल हैं एक्सपीरियंसेस कई सर्विसेज और गुड्स को ऑर्केस्ट्रेट करके एक फर्म एक्सपीरियंसेस को क्रिएट स्टेज और मार्केट कर सकती है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड्स मैजिक किंगडम कस्टमर्स को एक फेरी किंगडम एक पायरेट शिप या एक हॉन्टेड हाउस विजिट करने देता है कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंसेस में रिटायर्ड बेसबॉल ग्रेड्स के साथ एक बेसबॉल कैंप में एक वीक एक डे रॉक एंड रोल फैंटेसी कैंप और माउंट एवरेस्ट पर चराई शामिल है पर्सन्स आर्टिस्ट्स म्यूजिशियंस सीईओएस फिजिशियंस हाई प्रोफाइल लॉयर्स एंड फाइनेंसियर्स और अन्य प्रोफेशनल्स को अक्सर मार्केटर्स से हेल्प मिलती है कई एथलीट्स और एंटरटेनर्स ने खुद को मार्केट करने का एक मास्टरफुल जॉब किया है क्रिकेट स्टार विराट कोहली बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर और ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु मैनेजमेंट कंसल्टेंट टॉम पेटर्स जो खुद सेल्फ ब्रांडिंग में माहिर हैं हर व्यक्ति को एक ब्रांड बनने की सलाह दी है प्लेसेस सिटीज स्टेट्स रीजन्स और पूरे नेशंस टूरिस्ट्स रेजिडेंट्स फैक्ट्रीज और कंपनी हेडक्वार्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम्पीट करते हैं प्लेस मार्केटर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट्स रियल एस्टेट एजेंसा कमर्शियल बैंक्स लोकल बिजनेस एसोसिएशंस और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एजेंसी शामिल हैं लास वेगास कन्वेंशन विजिटर्स अथॉरिटी को अपने प्रोवोकेटिव एड कैंपेन व्हाट हैपन्स हियर स्टेज हियर के साथ बहुत सक्सेस मिली है जो लास वेगास को एन अडल्ट प्लेग्राउंड के रूप में पोर्ट्रे करता है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में रियल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ओनरशिप शामिल होते हैं इन्हें खरीदा और बेचा जाता है और इन एक्सचेंजेस के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी ओनर्स और सेलर्स के लिए काम करते हैं या वे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते और बेचते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोनों को सिक्योरिटीज मार्केट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस म्यूजियम्स परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और नॉन प्रॉफिट्स सभी अपनी पब्लिक इमेज को बूस्ट करने और ऑडियंसेस और फ़ंड्स के लिए कम्पीट करने के लिए मार्केटिंग का यूज करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी स्कूल आइडेंटिटी और इमेज को बेहतर मैनेज करने के लिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सीएमओ पोजीशंस क्रिएट की है जिसमें एडमिशन ब्रॉचर्स और ट्विटर फीड से लेकर ब्रांड स्ट्रेटजी तक सब कुछ शामिल है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटेड नॉलेज है इसे टीवी एंड रेडियो न्यूज न्यूज इंटरनेट थिंक टैंक्स गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंटिटीज और स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रोड्यूस मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फर्म्स नील्सन आर आर डॉनली सन्स खोन्स्कोर गार्टना जेडी पावर एंड एसोसिएट्स जीएफके और इप्सोस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सप्लाइड इन्फॉर्मेशन का यूज करके बिजनेस डिसीजनस लेती हैं आइडियाज सोशल मार्केटर्स फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक और अ माइंड इज अ टेरेबल थिंग टू वेस्ट जैसे आइडियाज को प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज गन कंट्रोल टैक्स रिफॉर्म और अफोर्डेबल हेल्थ केयर जैसे सोशल काजेस को प्रमोट करती हैं अपनी कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के हिस्से के रूप में कई ऑर्गेनाइजेशंस पॉवर्टी क्लाइमेट चेंज सिविल राइट्स सोशल जस्टिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इनक्वालिटी हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी और चाइल्डहुड हुड ओबेसिटी जैसे इश्यूज़ पर फोकस्ड काजेस को प्रमोट करती हैं मार्केटिंग एक्सचेंज एक मार्केटर वह होता है जो दूसरी पार्टी से एक रिस्पॉन्स अटेंशन अ परचेस अ वोट अ डोनेशन चाहता है मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड स्टिम्यूलेट करने में स्किल्ड होते हैं हालांकि यह उनके द्वारा किए जाने वाले कामों का एक लिमिटेड व्यू है वे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए डिमांड के लेवल टाइमिंग और कंपोजिशन को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं ट्रेडिशनली एक मार्केट एक फिजिकल प्लेस थी जहां बायर्स और सेलर्स गुड्स खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे इकोनॉमिस्ट्स एक मार्केट को बायर्स और सेलर्स के कलेक्शन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट क्लास जैसे हाउसिंग मार्केट या ग्रेन मार्केट को इन्वॉल्व करने वाले ट्रांजेक्शन्स को नेगोशिएट करते हैं पांच बेसिक मार्केट्स हैं रिसोर्स मार्केट्स मैन्युफैक्चरर मार्केट्स कंज्यूमर मार्केट्स इंटरमीडियरी मार्केट्स और गवर्नमेंट मार्केट्स पांच बेसिक मार्केट्स और गुड्स सर्विसेज और मनी के उनके कनेक्टिंग फ्लोस को फिगर एक दशमलव एक में दिखाया गया है मैन्युफैक्चरर्स रिसोर्स मार्केट्स रॉ मटेरियल मार्केट्स लेबर मार्केट्स मनी मार्केट्स में जाते हैं रिसोर्सेज खरीदते हैं और उन्हें गुड्स और सर्विसेज में बदलते हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंटरमीडरीज को बेचते हैं जो उन्हें कंज्यूमर्स को बेचते हैं कंज्यूमर्स अपनी लेबर बेचते हैं और पैसे रिसीव करते हैं जिससे वे परचेस्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए पे करते हैं गवर्नमेंट रिसोर्स मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडियरी मार्केट से गुड्स खरीदने के लिए टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करती है और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन गुड्स और सर्विसेज का यूज करती है हर नेशन की इकॉनमी और ग्लोबल इकॉनमी सभी इंटरैक्टिंग सेट्स ऑफ मार्केट से मिलकर बनी होती हैं जो एक्सचेंज प्रोसेसेस के थ्रू लिंक्ड होती हैं मार्केटर्स इंडस्ट्री को सेलर्स के ग्रुप के रूप में देखते हैं और कस्टमर ग्रुप्स को डिस्क्राइब करने के लिए मार्केट टर्म का यूज करते हैं नीड मार्केट्स डाइट सीकिंग मार्केट प्रोडक्ट मार्केट्स शू मार्केट डेमोग्राफिक मार्केट्स मिलेनियम यूथ मार्केट और ज्योग्राफिक मार्केट्स चाइनीज मार्केट के साथ साथ वोटर मार्केट्स लेबर मार्केट्स और डोनर मार्केट्स भी हैं फिगर एक दशमलव दो दिखाता है कि कैसे सेलर्स और बायर्स चार फ्लोर से कनेक्टेड हैं सेलर्स मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज और कम्युनिकेशंस जैसे एड्स और डायरेक्ट मेल भेजते हैं बदले में वे पैसे और इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं जैसे कस्टमर एटीट्यूड्स और सेल्स पर डेटा इनर लूप गुड्स और सर्विसेज के लिए मनी का एक्सचेंज दिखाता है आउटर लूप इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज दिखाता है फिनांस ऑपरेशंस अकाउंटिंग और अन्य बिजनेस फंक्शंस वास्तव में तब तक मैटर नहीं करेंगी जब तक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए सफिशिएंट डिमांड नहीं होगी जो एक फर्म को प्रॉफ़िट कमाने में एनेबल करती है दूसरे शब्दों में एक हेल्थी बॉटम लाइन के लिए एक इफेक्टिव टॉप लाइन होना चाहिए इस प्रकार फाइनेंशियल सक्सेस अक्सर मार्केटिंग एबिलिटी पर डिपेंड करती है मार्केटिंग की वैल्यू सोसाइटी एज अ होल तक एक्सटेंड करती है इसने ऐसे नए या एनहांस्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने में हेल्प की है जो लोगों की लाइव्स को ईज या एनरिच करते हैं सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए डिमांड बिल्ड करती है जो बदले में जॉब्स क्रिएट करती है बॉटम लाइन में कंट्रीब्यूट करके सक्सेसफुल मार्केटिंग फर्म्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज में और पूरी तरह से एंगेज होने देती है एक ऑनलाइन और मोबाइल फ्यूएल्ड एनवायरमेंट में जहां कंज्यूमर्स कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फोर्सेस तेजी से बदलते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं मार्केटर्स को फीचर्स प्राइसेस और मार्केट्स चूज करने चाहिए और यह डिसाइड करना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग सेल्स और ऑनलाइन एंड मोबाइल मार्केटिंग पर कितना स्पेंड करना है मार्केटिंग में एरर के लिए बहुत कम मार्जिन है कुछ समय पहले ही माई स्पेस याहू ब्लॉकबस्टर और बॉन्स नोबल अपनी इंडस्ट्रीज़ में एडमायर्ड लीडर्स थे कुछ साल कितना कुछ बदल सकते हैं इन सभी ब्रद्स को अपस्टार्ट चैलेंजर्स, फेसबुक गूगल नेटफ्लिक्स और एमेजॉन रिस्पेक्टिवली ने पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया है और वे अब कभी कभी अनसक्सेसफुली सिर्फ सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं फर्म्स को कॉन्स्टेंटली मूव फॉरवर्ड करते रहना चाहिए सबसे ज्यादा रिस्क उन कंपनीज़ को है जो अपने कस्टमर्स और कॉम्पेटिटर्स को केयरफुली मॉनिटर करने में फ़ेल हो जाती हैं और इस प्रकार अपनी वैल्यू ऑफरिंग्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूली इम्प्रूव करने में फ़ेल हो जाती हैं इस प्रोसेस में अपने स्टॉक होल्डर्स सप्लायर्स और चैनल पार्टनर्स को सेटिस्फाई करती हैं मार्केटिंग में इनोवेशन क्रिटिकल है स्ट्रैटेजी पर इमेजिनेटिव आइडियाज़ एक कंपनी के भीतर कई जगहों पर मौजूद है सीनियर मैनेजमेंट को तीन जनरली अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स यूथफुल या डायवर्स पर्सपेक्टिव्स वाले एम्प्लॉयज कंपनी हेडक्वार्टर्स से फर रिमूव्ड एम्प्लॉयज और इंडस्ट्री में नए एम्प्लॉज से फ्रेश आइडियाज को आइडेंटिफाई और एंकरेज करना चाहिए प्रत्येक ग्रुप कंपनी ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज कर सकता है और न्यू आइडियाज को स्टिम्युलेट कर सकता है ब्रिटिश बेस्ड आरबी पहले रैकेट बैंक के सैर तीन साल से कम पुराने प्रोडक्ट्स से 35 परसेंट सेल्स जनरेट करके स्टेड हाउसहोल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में एक इनोवेटर रहा है इसके मल्टीनेशनल स्टाफ को कंज्यूमर हैबिट्स में डीपली डिग करने के लिए एंकरेज किया जाता है और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के लिए अच्छी तरह से रिवॉर्ड किया जाता है